दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में, और मैं हूं विपिन यादव। तो आज हम लोग आगे काम करेंगे शेषफल पर। और एक बात मैं और बता देना चाहूंगा, हमारे कुछ स्टूडेंट जो पूछते रहते हैं कि सर कितना दिन चलेगा नंबर सिस्टम, तो मैं उनके लिए बता दूं ये अभी लंबा चलेगा। और बाकी चैप्टरों का भी तो मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। वीडियो के लिस्ट में जाइएगा, आप देखिएगा, जब आप वीडियो देखते हुए रहते हैं तो नीचे बहुत सारे अलग अलग वीडियो आते रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार मेरे प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि होम रहा, ऊपर में लिखा हुआ होगा, बगल में वीडियोज, फिर प्लेलिस्ट। तो या तो वीडियोज में जाइएगा, तो जितना भी अपडेट वीडियो रहता है, नया वीडियो वो ऊपर रहता है। होम वाला में क्या होता है कि वो पुराना वीडियो ऊपर में रहता है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो चैप्टर वाइज जो मैंने डाल दिया होगा वो वीडियो होगा, ठीक है। तो आप वीडियो में जाइएगा, जब नया वीडियो देखना है तो वीडियो के लिस्ट में जाइएगा, और होम वाला में वो वीडियो ज्यादा ऊपर रहता है, जिसका व्यू ज्यादा रहता है वो रहता है उसमें। तो मित्रों चलिए, ये थोड़ी सी जानकारी थी। और एक जानकारी और मैं दे दूं, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा जब भी मैं वीडियो डालता हूँ। हर रोज वीडियो डालता हूँ, आप देखते चलिए। तो आ जाइए, क्वेश्चन हमारे सामने है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको काम करके दिखाते हैं। यहां देखिएगा, प्रश्न है कि एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के का एक्स प्लस चार एक गुणनखंड है, तो के का मान क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के का एक्स प्लस चार एक गुणनखंड है, तो के का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न अक्सर अलजेब्रा के चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, और यहां शेषफल में भी है, ठीक है। अब रही बात, अभी टाइप चार चल रहा है, पीछे सारी वीडियो मैंने शेषफल का पढ़ाया है, आपने देखा सारी वीडियो मैंने बनाया है जो शेषफल पर है, आपने देखा भी है, लाइक भी किया है, कमेंट भी किया है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से हमारा सहयोग करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखने से पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर इसको देखिएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2012 में, ये क्वेश्चन और अगला भी यूपीएससी के एग्जाम में आया था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि x के पावर 11 प्लस 1 इतना को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल ये कहता है कि इसको इससे भाग दीजिएगा, इसको इससे भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। अरे भाग किससे देना है ये पता कर लीजिए पहले, इससे भाग देना है तो जिससे भाग देना है ना उसके बराबर जीरो कर लीजिए, जिससे भाग देना हो उसके बराबर जीरो। इस तरह का जब भी सवाल मिलेगा, एक्स वाला पावर दो तीन चार चरण रहेगा और जिससे भाग देना उसके बराबर जीरो, तो एक्स का मान क्या हो गया भाई, माइनस वन। अब सिर्फ एक्स के मान इसमें रख दीजिए और जो मान आएगा वो हो गया शेषफल। यानी x के जगह माइनस वन रख दीजिए, 11 पावर है प्लस ये वाला एक, माइनस एक के पावर 11 तो माइनस एक, और ये प्लस एक तो हो गया जीरो। बस यही आपका आंसर हो गया, शेषफल जीरो। आपका सवाल जो दूसरा नंबर था इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो मित्रों अब देखिए कैसे आपको समझ में आता है। ये प्रश्न में इतना में पूछा जा रहा है, इतना का x प्लस चार एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। ठीक, k का मान हमें निकालना है, हमें निकालना है किसका मान, k का मान क्या होगा। और x प्लस चार एक गुणनखंड है मेरे भाई, एक बात आपको पता होगा कि कोई भी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग दीजिएगा ना तो शेषफल जीरो होगा। देखिए अगर मान लीजिए 12 का गुणनखंड 3 होता है, आप अगर 3 से भाग दीजिएगा 12 को, 3 से भाग दीजिएगा 12 को तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा ना, 12 में भाग देंगे 3 से, शेष 0। 4 भी गुणनखंड ही होता है 12 का, 4 से 12 में भाग दीजिएगा शेष होगा 0,
एक बात अब आप बताइए मुझे, सवाल कहता है कि इतना का x प्लस चार एक गुणनखंड है तब k का मान क्या होगा। x प्लस चार एक गुणनखंड है और हम ऐसा अगर सोचे कि x प्लस चार से भाग दिया जाए तो क्या होगा, अरे गुणनखंड से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, गुणनखंड से भाग दिया जाएगा तो शेषफल जीरो होगा, शेषफल क्या होगा जीरो। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें ये गुणनखंड है इसलिए शेष इसका जीरो बोलेंगे। अब रुकिए, अब हम लोग फिर शेषफल निकालेंगे, ये तो सवाल के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार शेष जीरो होगा इसमें क्योंकि गुणनखंड से भाग दिया गया, और अगर हमें भाग देना है x प्लस चार से तो आपको पता होगा जिससे भाग देना हो उसके बराबर जीरो लेंगे। दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने पहले पढ़ा दिया उसमें बताया जिससे भाग देना उसके बराबर जीरो, x का मान कितना हो गया माइनस चार, x के मान इसमें सिर्फ बैठा दिए तो जो आएगा वो शेषफल कहलाएगा। x का मान इसमें बैठाइए, यहां माइनस चार का क्यूब प्लस चार गुने माइनस चार का स्क्वायर प्लस चार और गुना है माइनस चार और ये हो गया प्लस के, ठीक है। तो अब हो गया, देखिए यहां अब हो गया क्या, x का मान आपने इसमें रख दिया, इसमें x का मान रख दिया, ये हो गया शेषफल, जबकि शेषफल इसमें जीरो होगा क्यों, क्योंकि गुणनखंड से भाग दिए। तो ये भी शेषफल है आ ये भी शेषफल है, इधर भी शेषफल आ इधर भी शेषफल, दोनों शेषफल है, ये दोनों शेषफल है इसीलिए आपस में बराबर होगा, शेषफल के बराबर शेषफल होगा, दोनों शेषफल है तो रिलेशन मिला, दोनों शेषफल है इसलिए आपस में बराबर होगा। अब आ जाइए, ये प्लस को कहिएगा, प्लस माइनस बाउंड्री होता है, यहां है प्लस, देखिए यहां प्लस है और ये तो ब्रैकेट के अंदर है तो काम होगा, ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ये बाउंड्री है, चार का क्यूब हुआ चौसठ माइनस में, और ये देखिए प्लस, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह चौका चौसठ हुआ प्लस में, क्योंकि माइनस चार का स्क्वायर प्लस में, सोलह चौका चौसठ। अब देखिए माइनस चार गुने प्लस चार तो माइनस में सोलह और ये प्लस के बराबर जीरो, ये चौसठ प्लस में चौसठ माइनस में, बात खत्म, माइनस सोलह उधर जाके जुड़ा तो के बराबर हो गया प्लस सोलह, जीरो में सोलह जुड़िएगा तो सोलह ही होगा यानी के का मान हो गया सोलह, हमसे के का ही मान पूछा गया था इस प्रश्न में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मित्रों हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, यदि कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर पी एक्स माइनस ग्यारह पी इतना का एक गुणनखंड x माइनस तीन है, तो सवाल कहता है p का मान क्या होगा, तो p का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा वैसा ही सवाल यह है कि इतना का एक गुणनखंड x माइनस तीन है, सवाल ऐसे बोला है, सवाल बोला है कि यदि इतना का एक गुणनखंड x माइनस तीन है, फैक्टर है ये यानी गुणनखंड है, अब आ जाइए गुणनखंड है ये, तो ये है x माइनस तीन इसका गुणनखंड, तो हमको पता हो गया कि अगर गुणनखंड से भाग दिया जाएगा तो शेष जीरो होगा, तो अपना मन से यहां लिख लिए कि शेषफल जीरो। अब एक बात, x माइनस तीन से अगर भाग दिया जाएगा तो शेष तो जीरो लिखबे करेंगे, शेष क्या लिखेंगे जीरो, लेकिन जिससे भाग देना हो, जिससे भाग देना हो उसके बराबर भी जीरो लिखेंगे, तो x का मान कितना गया है प्लस तीन, अब x का मान प्लस तीन, यही x का मान इसमें बैठा दीजिए तो इधर भी शेषफल निकल जाएगा, x का मान तीन यहां रखेंगे, तीन के स्क्वायर प्लस चार गुने ये p और x के जगह तीन रखें माइनस ग्यारह पी, ये हो गया शेषफल, क्योंकि x का मान इसमें रख दिया अब ये हो गया शेषफल, जबकि शेषफल जीरो, तो इधर भी शेषफल इधर भी शेषफल, दोनों शेषफल इसलिए आपस में बराबर। अब आ जाइए तीन का स्क्वायर नौ और तीन चौका बारह पी, अब देखिए माइनस ग्यारह पी बराबर जीरो, अब एक बात बारह पी में से ग्यारह पी जाएगा एक पी बचेगा और ये प्लस नौ उधर जाके माइनस नौ, तो पी का वैल्यू हुआ माइनस नौ, है ना मजेदार, पर बहुत ही आसान है, अलजेबरा में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा इस तरह से कि इतना में इतना से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
कहता है कि इतना को x माइनस टू वाई से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। हमें भाग देना है x माइनस टू वाई से, इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, इससे भाग देना है तो पूछा जा रहा है शेषफल क्या होगा, क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। और ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें भाग देकर शेषफल निकालना है। तो याद रखना है कि जिससे भाग देना हो, एकदम रट जाइए, जिससे भाग देना हो उसके बराबर जीरो मानेंगे। इस तरह के जो सवाल आएगा एक्स वाई लगल रहेगा, पावर बराबर भी जा सकता है, तो इससे भाग देना है तो जिससे भाग देना है उसके बराबर जीरो। तो एक्स का वैल्यू टू वाई हो गया, बस मान रख लो एक्स का जगह टू वाई, तो ये तीन गुने एक्स के जगह रखेंगे टू वाई, और देखो यहाँ क्यू है तो क्यू होगा क्योंकि एक्स के बदले टू वाई रखा, एक्स के बदले टू वाई, एक्स के बदले टू वाई, एक्स का पावर तीन है तो यहाँ भी पावर तीन हो गया, माइनस ये वाला, अब दो गुने एक्स के जगह रखोगे टू वाई और एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा और फिर ये वाला वाई गुना हुआ, अब ये माइनस, अब तेरह तेरह और एक्स के जगह रखेंगे कितना टू वाई और गुना ये वाई स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस ये दस वाई क्यूब। अब एक बात बताइए, ये माइनस बाउंड्री, ये माइनस बाउंड्री, मेन बाउंड्री ये सब, ये प्लस बाउंड्री, ठीक है, अब बाउंड्री के इधर उधर काम कर लो, वाई क्यू हुआ, दो का क्यू आठ हुआ, आठ तीन कितना हुआ चौबीस वाई क्यू माइनस, यहां समझिएगा दोस्तों वाई गुने वाई स्क्वायर वाई क्यू, आई दो का स्क्वायर चार, चार गुना आठ वाई क्यू, अब आ जाइए माइनस वाई स्क्वायर गुने वाई तो वाई क्यू और तेरह गुना कितना छब्बीस वाई क्यू प्लस दस वाई क्यू। अब एक बात, माइनस वाला एक साथ प्लस वाला एक साथ, आठ और छब्बीस कितना हो गया चौंतीस, चौंतीस वाई क्यू ये माइनस में और ये दस और चौबीस ये भी हो गया चौंतीस वाई क्यू प्लस में, जितना है प्लस में उतना ही माइनस में तो घट गया तो कितना जीरो हो गया, है ना मजेदार और बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, यदि x क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस दस की, ठीक, इतना को x स्क्वायर प्लस दो से भाग देने पर शेष, इतना को भाग देने के लिए बोला है x स्क्वायर प्लस टू से भाग देने पर शेष बचता है, शेष बचता है कितना जानते हैं माइनस टू एक्स, तब कहता है k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा, बात को समझिएगा जरा, सवाल को एक बार सुन लीजिए, इसको इससे भाग देने पर शेष इतना बचता है तो कहता है k का मान क्या होगा, इसमें सिंपल सा बात सोचना है, एगो शेष दिया और ये ना देता, हमें निकालना होता कि इसमें इससे भाग देने पर शेष क्या होगा, तो जिससे भाग देना है ना उसके बराबर जीरो ले लेंगे। चलिए इसके बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया माइनस में उधर दो हो गया, चलिए तो एक्स स्क्वायर का मान माइनस दो, बस यहां बैठा देना है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुने एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं फाइव एक्स स्क्वायर है, ये है दस के है, ठीक, इसको सिर्फ अरेंज किया मैंने, एक्स स्क्वायर के जगह यहाँ माइनस टू और एक्स से गुना होगा तब माइनस टू एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस टू एक्स से गुना माइनस टू एक्स प्लस फाइव और एक्स स्क्वायर के जगह माइनस दो तो यहाँ माइनस दो रख के गुना करिएगा तो पांच गुना दस हो जाएगा माइनस में दस प्लस ये दस के, आपने एक्स स्क्वायर का मान इसमें रख दिया तो ये हो गया शेषफल, जबकि शेषफल दिया है माइनस टू एक्स, शेषफल कितना दिया है माइनस टू एक्स, तो इधर भी शेषफल है इधर भी शेषफल दोनों है शेषफल इसलिए आपस में बराबर। अब आ जाइए ये माइनस टू एक्स गया क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा और एक माइनस में तो जीरो हो जाएगा, आई माइनस दस उधर जाकर प्लस दस तो इधर बचा ये दस क्या उधर जाएगा तो यहां देखिएगा ये माइनस दस उधर गया प्लस दस दस से दस कटा एक बार में तो के का वैल्यू कितना हो गया एक। तो चलिए मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से यह समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन है, तेरह क्वेश्चन टोटल है लेकिन ऐसे ही बनेंगे, सबका यही भाषा है कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा, उससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल इतना है तो के का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, यही बात है, तो आप आगे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे।
और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि आज आप जरूर सीखे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।